पहुंच गई है
जैसे ही मैया तारा पहुंची है मरगट में, हरिचंद्र आवाज लगाने लगे हैं, कहने लगे हैं कौन हो तुम, कहां से आई हो। आज मैया तारा ने कहा कि स्वामी मैं तारा हूं। तारा जवाब दिया, तारा कौन तारा, कैसी तारा। जवाब दिया, कहने लगे कि महाराज आप मुझे नहीं जानते हो। ठीक है, मैं मान लूंगी आप मुझे नहीं जानते हो, लेकिन आपका एक खून है, इस बेटा को तो आप जानते होंगे। जवाब दिया है कि मुझसे रिश्ते मत निभाओ, क्योंकि आज यहाँ पर हमारा धर्म है। उस दिन तुम्हारा धर्म था जिस दिन मैं गागर भरने के लिए गया था और तुम वहीं पर तुम भी आई थी भरने। तो मैंने आपसे कहा था कि हमारी गागर को उठवा दो, हमारे घड़े को उठवा दो। तो तुमने क्या कहा था कि मैं एक ब्राह्मण के घर में रहती हूँ, अगर जो मैं इस घड़ा को उठवाऊंगी तो हमारा धर्म चला जाएगा। जवाब दिया, कहने लगे याद करो उस दिन की, वहां पर तुम्हारा धर्म था और यहाँ पर आज हमारा धर्म है। बोले स्वामी आप इस लहर को जलने दो, आप करकट का के भूखे हैं, मैं करकट का आपको जरूर दूंगी। आज मेरे भैया जो इस लहर को देखा है, धीरे धीरे यूं समय बढ़ता चला गया है, विश्वामित्र पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। इधर वो मैया जैसे ही पहुंची है, आज महाराज वो मंदिर में जाकर गए मैया, क्योंकि उसने अपने पुत्र के ऊपर बहुत बड़ी साड़ी बांधी थी, साड़ी में लपेट दिया था। तो आज मैया नंगी थी, नंगी के वजह से मैया वो मंदिर में जाकर के सो गई है। एक बात माता और बता दें, अगर जो ज्यादा दुख होता है तो या तो माताओं को नींद आती है ज्यादा, और या तो भूख सताती है। ज्यादा दुख में ये दो चीजें बहुत सताती हैं। तो मैया जो तारा थी वो आज गम की नींद में सो गई है। जब गम की नींद में सो गई है तो विश्वामित्र ने क्या किया है, विश्वामित्र ने दो चार बालकों को सर काट लिए हैं और चारों तरफ फोर छिड़क दिया है, मैया तारा के मुख से लगा दिया है, मुख से लगा दिया है और आवाज लगाने लगे हैं। पूरे गांव में आवाज लगाने लगे हैं, कहने लगे हैं कि अपने अपने बालकों को डुबा करके रखना, क्योंकि हमारे इस नगर में एक डायन आई है। मैं क्यों पुत्रों को खाऊंगी किसी के, हमारा पुत्र था हमारा पुत्र चला गया, भला मैं किसके पुत्र को खाऊंगी, मैं खुद दुखी हूं अपने पुत्र से, हमारा पुत्र चला गया है। एकदम से गांव वाले कहने लगे हैं कि तेरा पुत्र चला गया, इसके बदले में तू दूसरे के पुत्रों को खाएगी। जैसे ही महाराज तलवार मारने के लिए की है, तब तक एकदम विश्वामित्र आ गए हैं, उन्होंने तलवार को पकड़ लिया है और कहने लगे रुक जाइए, क्योंकि महाराज ये सब परीक्षा हो रही थी। हरिचंद्र बोले परीक्षा, बोले हाँ आपकी ये सब परीक्षा हो रही थी। जो भी बालक मिलता है वो खा जाती है, बताया कि कोई भी बालक मिलता है और वो डायनास बालक को खा जाती है। जो इतनी बात कही है, आज मेरे भागवत प्रेमियों सब भाग भाग करके आने लगे हैं। कोई किसी तरीके से आता है, कोई किसी तरीके से आता है। हरिचंद्र को पता चला है, जैसे ही पता चला है तो महाराज आज मारने के लिए जब पहुंचे हैं, जैसे ही उन्होंने अपनी तलवार को निकाला है मारने के लिए, कहने लगे कि ये डायन है। एकदम से मैया तारा हाथ जोड़ करके कहने लगी, स्वामी मैं खुद अपनी दम की मारी हूँ। जो इतनी बात कही है, कहने लगे महाराज अगर जो ये परीक्षा हो रही
एकदम से आवाज लगाई है बेटा के लिए, बोले बेटा रोहित। एकदम से बेटा अंदर से भागता हुआ चला आया है, एकदम से लिपट पड़ा है वो बेटा। तो जैसे ही वो बेटा आया है सामने, तो हरिश्चंद्र कहने लगे हैं कि महाराज हमारी परीक्षा ली वो तो ली, लेकिन इस कलयुग में किसी की परीक्षा मत लेना, क्योंकि अगर जो इस कलयुग में किसी की परीक्षा ली तो महाराज मार की कमी नहीं रहेगी। जैसे इतनी बात कही है।